कन्नौज जिले के कस्बा हसीरन क्षेत्र के रेहुआ गांव निवासी राम किशन अपने घर से रुपए जमा करने बैंक ऑफ इंडिया के हसीरन ब्रांच गए थे। बैंक आते समय रास्ते में उनके 18,000 रुपए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक गिर गए। रामकिशन जब बैंक पहुंचे पैसा जमा करने के लिए, पैसे निकालने लगे तो उनके हाथ कुछ नहीं आया। वो उदास होकर वापस घर लौटे। लौटते समय रास्ते में रुपए ढूंढने की कोशिश की पर उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर क्षेत्र के डॉक्टर श्यामलाल यादव उस रास्ते से निकल रहे थे, तभी उनको 18,000 रुपए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक मिली। उन्होंने रुपए लेकर ग्राम पंचायत गोपालपुर के प्रधान पति उपेंद्र सिंह राजपूत को दे दिया और बताया कि ये रुपए और पैसे उन्हें रास्ते में पड़े मिले हैं। उस व्यक्ति तक उसके पैसे भिजवाने का कार्य भी करने के लिए कहा। तभी स्थानीय पुलिस की नज़र उन पैसों पर पड़ी। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति की तलाश की गई। प्रधान प्रतिनिधि व स्थानीय पुलिस के द्वारा रेहुआ गांव जाकर उस व्यक्ति को उसके रास्ते में गुम हुए 18,000 रुपए, बैंक पासबुक, आधार कार्ड दे दिया गया। पुलिसकर्मी मनोज कुमार व बलराम शर्मा ने एक बुजुर्ग किसान परिवार को रुपए वापस किए, जो किसान के परिवार की खुशी वापस लौट आई। परिवार ने पुलिस कर्मियों को दीर्घायु व जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। किसान परिवार को उसकी मेहनत की कमाई के रुपए सुरक्षित मिले तो सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। पे अपनी ड्यूटी पर थे जी, तो हमारे पास एक पड़ोस के गांव गोपालपुर के प्रधान पति आए और उन्होंने हमें सूचना दी कि एक हमारे साथ के ही डॉक्टर श्यामल सिंह, उनका गांव बहादुरपुर था, उनके संपर्क में आए थे और उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दिए थे। तो उन्होंने हमें पूरी जानकारी बताई कि पैसे उनको कहीं रास्ते में मिले थे जी। तो उसमें हमने खोल के देखा, उसमें आधार कार्ड था। तो वो रेहुआ के बहुत गरीब परिवार से थे जी, और हम वहाँ पहुँचे पैसे लेके और उनके घर पे जाकर उनको पैसे वापस किए। बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनके परिवार वालों को खुशी की लहर दौड़ गई और हमने उन्हें पैसे वापस किए जाकर। आधार कार्ड में लिखा हुआ था जी, आशीर्वाद में बैंक के पहले ही डॉक्टर श्यामलाल यादव को मिला था उनको। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम उनके घर पे, वहाँ फिर हम हमारे साथ में दो सिपाही उसको घर पे देने गए। किस ग्राम का था वो? रेहुआ निवासी। आर्थिक स्थिति कैसी थी वो? उसके घर पे उसकी पत्नी मिली थी पहले जी, झोपड़ पट्टी पड़ी हुई थी, गरीब व्यक्ति था। कितने रुपए थे सर उसमें? 18,000 रुपए। कन्नौज से तेजस खबर के लिए शिवा पटेल की रिपोर्ट।